आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि प्रूव दैट टेन थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो इसमें जो है हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है टेन थीटा प्लस sec थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन को हम जो है एज इट इज़ लिख देंगे, और इसको जो है राइट हैंड साइड यानी कि वन प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि जो हमारे पास जो दे रखा है टेन थीटा प्लस sec थीटा दे रखा है, और हमें पता है टेन थीटा और sec थीटा में एक आइडेंटिटी भी होती है जो इस तरह से है कि वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा वो sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम sec स्क्वायर थीटा की तरफ को टेन थीटा को ले जाएं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, तो वो जो होगा आपका वन के इक्वल होगा यानी कि माइनस वन हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा अपॉन इज इक्वल टू माइनस के वन। तो इसको जो है हम यहाँ पे माइनस वन की जगह रख देते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर जैसा है वो अनचेंज्ड रहेगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। तो अब जो है ऊपर जो हमने टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा लिया है वो उसमें को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस sec थीटा इंटू में टेन थीटा प्लस sec थीटा। तो ये ले लिया और नीचे डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे ही लिख दिया। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमने ऊपर वाली ही टर्म को सॉल्व क्यों किया, क्योंकि आप राइट हैंड साइड में देखिए ऊपर वाली टर्म जो साइड है वो भी बड़ी वाली, नीचे उसमें दो टर्म है यानी कि नीचे वाली से एक टर्म ज़्यादा है, इसीलिए हम ऊपर वाली को ही माइनस वन को सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे वाले से भी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद फिर आपको रैशनलाइज करके दोबारा का दो चार स्टेप और बढ़ाने पड़ सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखिए आप दोनों तरफ से टेन थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकलता है, तो वो ले लिया, तो आपके पास बचा वन प्लस टेन थीटा माइनस sec थीटा, और जो है डिनोमिनेटर को जैसा है वैसे लिख दिया। आप देखिए डिनोमिनेटर जो है उसका वन वन के बोला टेन थीटा के, और माइनस sec थीटा से माइनस sec थीटा के, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा टेन थीटा प्लस sec थीटा। तो टेन थीटा जो है और sec थीटा इन दोनों को साइन और कॉस में बदल देंगे, तो टेन थीटा हुआ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक थीटा हुआ वन अपॉन में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है आप एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ऊपर बचेगा न्यूमरेटर में साइन थीटा प्लस वन। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में वन प्लस साइन थीटा, इसका मतलब यह है कि हम इनका जो है क्रम बदल देंगे यानी सीक्वेंस बदल देंगे, वन को पहले लिख देंगे और साइन थीटा को बाद में, और हमारा जो है राइट हैंड साइड जो है हमारे को मिल गई। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।